बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको कितनी देर से मसला है? तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया टाइम। पंखे का शोर ही बहुत था। अच्छा, तकलीफ आपको कैसे शुरू हुई थी? मतलब उसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अल्ट्रासाउंड की है, दवाई लिख के दे दी। मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये वजन क्यों नीचे पड़ा, दर्द किस वजह से? उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने कहा आप बस दवाई ले रहे हैं और आराम आ रहा है। अच्छा, कितनी दवाई दी थी, दोबारा चेक करा। एक तरफ तो आपकी ट्यूब बिल्कुल ठीक है, अब जो बच्चेदानी के अंदर काफ़ी स्वेलिंग इन्फेक्शन थी ना, वो तो माशाल्लाह ठीक हो गई है, लेकिन एक जो ट्यूब है ना उसके अंदर इन्फेक्शन काफ़ी आ रही है, बल्कि जख्म भी आ रहे हैं अभी ना, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा आपका। सही तो इंशाल्लाह हो जाएगी वो भी। पहले से आप कितना बेहतर महसूस कर रही हैं? ज़्यादा बेहतर है। पहले मुझे चलते फिरते भी दर्द ना महसूस होता। अच्छा, अब आपको मेरे पास कितनी देर होगी इलाज करवाते हुए? दो महीने। ये तीसरा माह स्टार्ट हुआ है आपका, इंशाल्लाह 3 माह का मैंने आपको टाइम दिया था, इंशाल्लाह अल्लाह कब्र करेगा ठीक हो जाएगा। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो। बेशक अल्लाह ही देता है शिफा, इंसान तो कोशिश ही करता है ना। ठीक है, आमना नाम है ना आपका?